आई एम नरेंद्र कुमार शर्मा माई डियर स्टूडेंट आई एम स्टार्टिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर थ्री इन वीडियो नंबर टू फॉर क्लास एट्थ इन साइंस द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक बच्चों सिंथेटिक फाइबर के बारे में तो हम डिस्कशन कर चुके हैं आपको समझा चुके हैं आज हम प्लास्टिक के बारे में आपको समझाएंगे तो टॉपिक है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक Plastic भी सिंथेटिक फाइबर ही होता है बिकॉज इट इज मेड टाइप ऑफ यूनिट अर्थात इट इज आल्सो ए पॉलीमर इक सिंथेटिक फाइबर सिंथेटिक फाइबर की तरीके से प्लास्टिक भी पॉलीमर ही होता है सेम टाइप की यूनिट सिमिल का बना होता है बहुत सारी सेम टाइप यूनिट आपस में कंबाइन होकर के पॉलीमर का निर्माण करती है बच्चों दूसरा पॉइंट है ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स यानी कि सभी प्लास्टिक में जो यूनिट होती है उनका अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होता सम आर लीनियर वेर अदर क्रॉस लिंक कुछ तो लीनियर टाइप की होती है जैसे ये आप देख रहे हैं एक रेखा के रूप में आपस में ये 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 यूनिट्स हैं जो आपस में कैसे जुड़ी हुई है एक लाइन के रूप में इसलिए इसको लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट के नाम से जाना जाता है बच्चों नेक्स्ट है क्रॉस लिंक आप देख रहे हैं ये डायग्राम इसमें ये 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 पहला ये पहला ये पहला लाइन 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 इनको ये काट रही है इंटरसेक्ट कर रही है तो ये कैसा यूनिट का कॉम्बिनेशन हो गया क्रॉस और इस टाइप का कॉम्बिनेशन क्रॉस लिंक अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट कहा जाता है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक इजिली मोल्डेबल इन एनी शेप एंड साइज रिसाइकल एंड रीयूज एंड कलर ये प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टिक मोल्डेबल है अर्थात इनको सिंपली या हीट करके इजिली इनको किसी भी शेप और साइज में मोल्ड किया जा सकता है बच्चों दूसरा रिसाइकल्ड अर्थात प्लास्टिक से प्लास्टिक के वेयर को दोबारा प्लास्टिक वेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है जैसे पुरानी ओल्ड चेयर्स हैं उनको मैन्युफैक्चर दोबारा उस चेयर या दूसरे वेयर बना सकते हैं तो ये, तो ये साइकिल हो जाता है। रीयूज प्लास्टिक का रीयूज पॉसिबल है जैसे कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती हैं उनको वाटर बोतल के रूप में यूज किया जा सकता है बच्चों या दूसरे रूप में आप देखते हैं प्लास्टिक के वेयर अनेक कलों में मिलते हैं प्लास्टिक के सामान अनेक अनेक कलों में अवेलेबल होते हैं इसलिए प्लास्टिक अलग अलग कलर में पाई जाती है एग्जाम्पल है पॉलीथीन जैसे यह दो वर्डों से मिलकर बना होता है पॉली प्लस इथीन अर्थात पॉलीमीज मैनी इथिन यूनिट्स हो गए केमिकल सब्सटेंस हो गया ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं पॉलीथीन बच्चों इससे तो हम फैमिलियर हैं हम जो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो पॉलीथीन बैग में अपना सामान लेकर आते हैं बच्चों तो ये प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है बच्चों हालांकि पॉलीथीन बैग पर कई बार गवर्नमेंट ने बेन लगाए हैं रोक लगाई है क्यों लगाई है क्योंकि ये पॉल्यूशन का कारण है कई बार तो इन पॉलीथिन को हमारे जो पशु हैं चारा समझ कर खा जाते हैं जिसे कारण उनकी जो एलिमेंटरी कैनाल है वो ब्लॉक हो जाती है उनकी डेथ हो जाती है अब बच्चों प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक थर्मो क्या है बच्चों द प्लास्टिक विच कैन नॉट बी री विच कैन सॉरी द प्लास्टिक विच कैन बी मोल्ड इजीली बाय हीटिंग अर्थात गर्म करके उन्हें किसी भी सेप साइज़ में दोबारा चेंज किया जा सकता है समझे एग्जाम्पल पॉलीथीन इनको हीट करके किसी दूसरे सेप में या साइज में कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरे इनसे वेयर बनाए जा सकते हैं पीवीसी जो तारों पर प्लास्टिक होती है टॉयज खिलौने आप जानते हैं कॉम कंघा हो गया वेरियस टाइप ऑफ यूटेंसिल हर एक प्रकार के बर्तन जो थर्मोप्लास्टिक के बने हो सकते हैं फिर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये इसके अपोजिट है बच्चों इनसे एक बार मोल्ड होने के पश्चात यदि इनको दोबारा मोल्ड किया जाए रीमोल्ड किया जाए तो ये रीमोल्ड नहीं होते एक बार जिस सेप साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको दोबारा हीटिंग के बाद इनको कन्वर्ट नहीं कर सकता जैसे इलेक्ट्रिक स्विचे इलेक्ट्रिक स्विच को आप हीट अप करेंगे तो ये बर्न हो जाएंगे मगर किसी सेफ साइज में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि बेल्ट नहीं होते ही देंगे परेशान समझे तो ये रहा कि थर्मो प्लास्टिक क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्ट क्या है इनका रिमोल्ड पॉसिबल है इनका नहीं है बच्चों ठीक है और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट और बेलेमाइन और बेकेलाइट के इलेक्ट्रिक स्विचे बनते हैं मोस्टली और जैसे प्रेस हैंडल या दूसरे जो हमारे चीज़ें हैं उनमें हैंडल के रूप में बैक लाइट का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट है मेलेमाइन मेलेमाइन बच्चों जो आप देखते हैं किचन में प्लेट होती हैं या ट्रे होती हैं वो मेलेमाइन की बनी होती हैं इसलिए किचन वेयर के रूप में मेलेमाइन का यूज़ होता है फ्लोर टाइल के रूप में भी इनका यूज़ हो जाता है बच्चों तो ये रहा कि बच्चों प्लास्टिक क्या है इनका किस रूप में यूज होता है इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कितने टाइप हैं ये हमने इस वीडियो में आपको समझाया नेक्स्ट टॉपिल टॉपिक आई विल डिस्कस अगेन थैंक यू